नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हेमलता शाह के एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड रेकी हीलर। एक्यू हेल्थ केयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं, जिसको कि एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। अगर हम साधारण भाषा में समझें तो इसे नाक की एलर्जी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, क्यों होता है और इसके लक्षण क्या क्या है। उसके बाद हम इसका उपचार सीखेंगे रंगों के माध्यम से, जिसे करना भी बहुत ही आसान है। जब एलर्जन हमारी नाक में चले जाते हैं, जैसे कि किसी को धूल से एलर्जी हो सकती है, किसी को धुएं से एलर्जी हो सकती है, किसी को खुशबू से एलर्जी हो सकती है या परागकणों से एलर्जी हो सकती है, तो जब ये नाक में चले जाते हैं तो नाक में इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से छींकें आने लग जाती हैं। इसके साथ साथ इसके और भी कई लक्षण हैं, जैसे कि नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, सिर दर्द बने रहना, कान बंद हो जाना या कईयों के नाक ब्लॉक भी हो जाता है। तो ये सारे लक्षण एलर्जिक राइनाइटिस के हैं। कई लोगों को चेंज ऑफ सीजन में भी बहुत सारी छींकें आने लगती हैं, नाक बहने लगता है, या चेंज ऑफ टेम्परेचर में भी ये समस्या हो जाती है। तो इन सभी केसेस में आप ये उपचार कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव उपचार है ये। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें ये उपचार करना कहाँ है और इसके लिए हमें किन रंगों की ज़रूरत है। हमें ये उपचार करने के लिए सिर्फ दो रंग चाहिए, वायलेट कलर एंड ब्लैक कलर। तो अब हम देखते हैं कि हमें इनको कहाँ पर अप्लाई करना है। जो हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के बीच वाले जोड़ पर हमें ये कलर अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले हम वायलेट कलर लगाते हैं। इस तरह से हमें लगाना है पूरा रिंग बनाते हुए, एक सर्कल जैसा बना लेना है। इस तरह से यही हमें दूसरे हाथ पर भी बीच वाले जोड़ पर बना लेना है। ऐसा महसूस होगा जैसे कि रिंग पहनी हुई है। और अब हम लगा लेते हैं ब्लैक कलर। जो पर्पल कलर है उसके साथ में ही ब्लैक कलर लगा लेंगे। पूरा सर्कल बनाते हुए दोनों हाथों में ये उपचार करेंगे हम। इस तरह से ये पर्पल कलर एंड ब्लैक कलर। इसमें कोई भी रंग हम ऊपर या नीचे लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पहले पर्पल ही लगाना है, हम ब्लैक कलर लगाएं उसके बाद पर्पल लगा लें, या पर्पल लगाकर फिर ब्लैक कलर लगा सकते हैं। ये कलर्स आपको 4 घंटे के लिए अपने हाथ पर अप्लाई करने हैं, और अगर बीच में किसी कारणवश आप अपने हाथ धो देते हैं जिससे कि कलर्स हट जाते हैं, तो आप कोई बात नहीं, आप फिर से इन कलर्स को अप्लाई कर लीजिए और लगभग 4 घंटे तक ये कलर्स आपके हाथ पर लगे रहने चाहिए। रेगुलर आप जब ये उपचार करेंगे तो 10 दिन के भीतर ही आपको अपनी समस्या में काफ़ी राहत महसूस होने लगेगी। लेकिन फिर भी आपको ये ट्रीटमेंट लगातार 2 से 3 महीने तक करना होगा, जिससे कि आपकी एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाए। आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में जो भी इस समस्या से पीड़ित हैं, आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जिससे कि आपके माध्यम से वो अपनी समस्या से निजात पा सके। बहुत ही सरल उपचार है ये, इसको करना भी बहुत ही आसान है। कोई भी घर बैठे ये उपचार कर सकता है और लाभ उठा सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके समय और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।